सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना धर्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतारणे विषमे दुर्गमे चेद व्याता शरणं गता न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कले नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि ज्येष्ठ भक्त्या सुदानानां तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षसे तान संशयः प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना इन्द्रे गजसमारूढ वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढ कौमारी शिशुवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्मास्ता हरिप्रिया श्वेतरूपा धरा देवी ईश्वरी वृषभाहना रामे हंस समारूढा सर्वा पर्णभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरणशोभाद्या नानारत्नापुषोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्या क्रोध समाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलाजुतम् केटकं दामरं चैव परशुं वाशमेव च कुन्ताजुतं त्रिशूलं च शारङ्गमार्जितमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च दारयन्त्रायुधानिष्ठं देवानां महिलाय मे नमस्ते अस्तु महारुद्र महाघोर पराक्रमे महाभये महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मा देवि दुष्प्रेक्ष शत्रूणां भयवर्धिनि प्राचां रक्षतु मामेन्द्रे अग्नेयामग्निदेवताम् दक्षिणे भवतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणि प्रतीचां वारुणे रक्ष वायव्या मृगवाहिनि उदीचां पातु कौमारी ईशानां शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि रक्ष ततस्ता वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्ष चामुण्डा शववाहनम् जया मे जागृता पातु विजया पातु पृष्ठतः अर्जुना भामपार्श्वेतो दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनि रक्ष दुमामूर्धनि व्यवस्थिता बालाधरि ललाटे च भ्रुव रक्ष यशस्विनि त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये जमघण्टा च नासिके शङ्खने चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्ध्वारवासिनि कपालकालिका रक्ष कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारे कण्ठदेशे तु चन्द्रिका गण्डिकां चित्रकण्ठा च महामाया च तालुके कामाक्षे चूर्णं रक्ष वाच मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाले च पृष्ठवंशे धनोधरि नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिकां नलगोभरि स्कन्धया खड्गनि रक्ष बाहु मे वज्रधारिणि हस्तया चन्द्रनि रक्ष लम्बिका चाङ्गुलेषु च नखार्शूलेश्वरि रक्ष कुक्ष रक्ष कुलेश्वरि महादेवे मना शोकविनाशिनि हृदये ललितादेवि उदरे शूलधारिणि नाभच कामनि रक्ष गुह्यं गुह्येश्वरि तथा पूतना कामिका मेघं गुदे महिषवाहिनि कट्यां भगवते रक्ष जानुनि चिन्द्रवासिनि जङ्गे महाबला रक्ष सर्वकामप्रदायिनि गुल्पयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसि पादाङ्गुलेषु श्रीरक्ष पादादस्तलवासिनि नखान्नष्टाकराले च केशाचेवाध्वकेशिनि
रोम कुबेशु कुबेरे त्वचं राजेश्वरी तथा रक्तमज्जाभसामासा न्यस्ति मे दासि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पिच्छं च मुकुटेश्वरी पद्मावति पद्मकोशे कपे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखे नखज्ज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां शत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षे मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानम् उदारं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभनम् रसे रूपे च ग्रन्थे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयो रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशाजेतेन्द्रलक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणीं गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशुं मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्ष महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवि पन्थानां सुमथा रक्ष मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं तुजस्थानं भर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ति पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतो यदिच्छेशुमात्मनः कवचेनाभृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्राथलावश्य विजया सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरे मतलं प्राप्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मत्तः सङ्ग्रामेश्व पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेतो जा कवचेनाभृता पुमान् इदं तु तेभ्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् जहा पठे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेतस्य त्रैलोक्येश्व पराजितः जीर्भेद्वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधया सर्वे लोता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयात्राणि भूतले भूतराखेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजाकुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षाचरा घोरा डाकिनश्च महाबला ग्रहभूतविशाचाश यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला कुसुमाण्डावेरवादयः पश्यन्ति दर्शना तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानानतिर्वभेराज्यस्ते जो वृद्धेकरं परम् दशसा वर्तते स्वपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतिं चण्डीर्कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते स शैलावनकाननं तावत् तिष्ठति मे जिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रिके देहान्ते परमं स्थानं जसुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः लभते परमं लोकं शिवेन सह मोदते अथ अर्गलस्तोत्र ॐ अस्य श्री अर्गलस्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषिः अनष्टमछन्दः श्रीमहालक्ष्म्यै देवता श्रीगजदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गाक्षमा शुभा दात्रे स्वाहा सुदा नमस्तु ते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणे जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमस्तु ते मधुकेतव विद्राभि पिठात्रि वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि
महिषासुर निर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि दशा देहि दिशा देहि रक्तबीजपदे देवि चण्डमण्डविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि दशा देहि दिशा देहि शुम्भस्येव निशुम्भस्य धुम्राक्षस्य च मर्दिनि रूपं देहि जयं देहि दशा देहि दिशा देहि वन्दिताग्रेजुरे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि अचिन्त्यरूपचैते सर्वशत्रुविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि सुमध्या भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि चण्डिके सततं जयत्वामर्चयन्ति ह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि विदेहि दुष्टामनाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाश्रयं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि सुरासुरशिरोरत्नानिर्दिष्टचरणाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि विद्यावन्तं दशवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जहि प्रचण्डचैत्यधरपटे चण्डिके प्रलताय मे रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रे संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवि षट्सं भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जहि हिमाचलसुतानाथा संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जहि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जहि देवी प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्यदर्प विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जहि देवी भक्तजनोधाना दत्तानन्दोदयाम्बिके रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जहि पद्मी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तो महास्तोत्रं पठे नरः सातु सप्तशति सङ्ख्या परमापयोति सम्पदा अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनष्टुमछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे श्रियाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमेतद्विधानीयान् मन्त्राणामभिकीलकम् स्वामि क्षेमम् भाप्नोति सततम् जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सरलान्यपि एतेन सुभगां देवि स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधम् तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्रानपि सिद्ध्यन्ते लोकशङ्कामिमामरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदम् शुभम् स्तोत्रम् मे चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तम् चकार सः
समातेन च पुण्यस्य तं यथा वन्नियन्त्रणा स्वाभिज्ञेभमवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णाया वा चतुर्दश्यामष्टम्यावा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् ज्योतिष्किलां विधायेन नित्यां जपति संस्फुटम् सा श्रद्धः सगना स्वपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवा पटतस्तस्य भयं क्वापि जायते नापमृत्यो वशं जाते मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुरुभीत न कुर्वा नाभिनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादिजल्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जात्यामिदं शुभम् क्षणेषु जप्यमानस्व स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यते भवत्येव समाग्रापि तथा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहाने परो मोक्षः श्रूयते सारकं जनैः श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्रे आयि गिरिनन्दनि नन्दितमेदनि विश्वविनादनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोदिनिवासनि विष्णुविलासनि विश्वनुते भगवति हेशति कण्ठकुटुम्बनि भूरि कुटुम्बनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकवरदनि शैलसुते सुरभर वर्षन दुरधर दर्शन दुर्मुखमर्षन हर चरते त्रिभुवन पोषण शङ्कर तोषण दिल विश्वभोषण घोषरते जन जन रोषन दिति सुत रोषन दुर्मद शोषण सन्त सुते जय जय हे महिषासुरमर्दन रम्यकवरदन शैलसुते हय जगदम्ब कदम्ब कदम्ब मन प्रिय भासनि हासरते शिखरि शिरोमणि तङ्ग हिमालय शृङ्गन जालय मध्यगते मधु मधुरे मधु केतव गञ्जनि केतव भञ्जनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दन रम्यकवरदनि शैलसुते हय शतखण्ड विभण्ड तरुण्ड गजाधिपते त्रिभुगजगण्डविदारण चण्डपराक्रमचुण्डविगाधिपते निजभुजदण्डनिपातित खण्डविपातितमुण्डगजाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दन रम्यकपरदन शैलसुते भैरन दुर्मद शत्रुपदोदित दुर्धर निरजर शक्तिवृते चतुर्विचार दुरे न महाशिवधूत पिता प्रमथाधिपते दुरे न दुरे दुराशय दुर्मतिदानवधूत पिता तमते जय जय हे महिषासुरमर्दन शैलसुते हरि चरणागत भेरि वधु भर वीर भर भयदायि करे शुभवनवासक चोर विरोधि शिरोधि पितामल शोल करे सुन दुमितामर दुन्द विराद महोम करे कृतति गम करे जय जय हे महिषासुर मर्दन रम्यक वरदन शैलसुते आयिन जहाङ्कृति मातन रागित धूम्र विगोचन धूम्र सदे समर विशोजत चोनित बीज समर्भव चोनित बीज लते शिव शिव शुम्बन शुम्ब महावतर वित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुर मर्दन रम्यक वरदन शैलसुते जन रन संग रन जन संग परेश्वर संग न तटके कनक प्रसंग प्रशांत निशंकर सर भट सिंह हता भटके विद चतुरंग बालक तिरंग कटर बहुरंग रटर भटके जय जय हे महिषासुर मर्दन रम्यक वरदन शैलसुते
सेनापते नायक नाटिनाथ सुधा नरते जय जय महिषासुरमर्दन कपरदनि शैलसुते हय स्वमनः 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 स्वमनो हरकासियुते रजनी 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 कर भक्तजुते भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय महिषासुरमर्दनि शैलसुते सहित महाहव पल्लम तल्लक पल्लक रल्लक मल्लरते गिरिजित मल्लक पल्लक मल्लक 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 भर गपते कृतकृत पुल्लस पुल्लस कारुण सल्लज पल्लव सल्लते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रन्नक परदनि शैलसुते अविरल गण्डक रन्मद त्रिभुवन भूषण भूत कला निधि रूप पयानिधि राजसुते हय सुधते धन लाल समान समोहन मन मत राजसुते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक मर्दनि शैलसुते कमल कला मल कोमल कांति कला कलिता मल बाल लते सकल विला सकला निलया क्रम के चल चल सकुले हर कुल संकुल कुबलय मंगल मोल बलद बकुलाल कुले जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक मर्दनि शैलसुते कर मुरारी रग भीषित गुंजित लज्जित कौतल मंजमते बिलत पुलिंद मनोहर गुंजित रंजित शैल निकुंज गते निजगण भूत महाशबरी गण सर्गण संभृत कैलि तले जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक मर्दनि शैलसुते ृत चन्द्रे प्रणत सुरासुर भोले मनेश्वर चल कण्डक चन्द्रे यत कण्डका चल भोले प्रलोचित निर्भर कुञ्जर कुम्भकुचे जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक मर्दनि शैलसुते सहस्र करे सहस्र करे सहस्र करे कनुते तारक शङ्कर तारक शङ्कर तारक सोन सुते सुरत समाधि समान समाधि समान समाधि सुजातरते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक मर्दनि शैलसुते पद कमलं करुणानिलये परिवसति यौनदिनं पृथिवे हरि कमले कमलानिलये कमलानिलया सकथं न भवे तव पदमेव परं पदमित्तनुशीलयतो मम चिन्त शिवे जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक मर्दनि शैलसुते कनकल सकल सिन्धु जलेरनु सिञ्चिनुते गुणरङ्ग भुवं भजति सकिं रसते कुटकुम्भे परिरम्ब सुखानुभवं तव चरणं ज्वलनं कलभान् तथामरवान् निवास शिवं जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक मर्दनि शैलसुते तव विमले सकलं पदने कमलं सकलं महिषासुर मर्दनि रम्यक मर्दनि शैलसुते हय मय दीन दयालु दया कृपयेण त्वया भवितव्य मुने हय जगतो जननि कृपयासि यथासि तथा गमितासुरते जलुतमस्तवमस्तुरी कुरुता दुरुता मम पातुरते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक मर्दनि शैलसुते रम्यक मर्दनि शैलसुते
अंतरिक्षकाले लास्ट पेज पेज नंबर 30 मां से क्षमा प्रार्थना है। अक्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरणशमय दासोऽयमिति मामत्व क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि राजानामि विसर्जनम् पूजां देव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी जगोज्जितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदं भेति चोचरेत् यां गतिं समभापनोति न तां ब्रह्मादयासुरः सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानाद्भिस्मृतेर्भ्रान्त्यां यज्ञानामधितां कृतां तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे विहारा चाभिमां प्रीत प्रसीद परमेश्वरि गुह्याति गुह्यघप्रेत गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादात्सुरेश्वरि सच्चियां ज्योत वाली माता तेरी सदा ही जय सत्य मनोरथ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। जन साधक जन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इस माँ जग जन ने जगत माता के दरबार में आकर की भक्ति भाव से करवत माँ से प्रार्थना करते हैं अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए माँ भगवती का श्रवण करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में आपकी आराधना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों का क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना।
हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार साधिक त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हे नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमय हो, कल्याण दायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थ सिद्ध करने वाली शरण वसलाते नेत्रों वाली एवं गौरी हो। हे नारायणी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है। हम भक्तों का आप सब ओर से कल्याण करें, हम सब की रक्षा करें और सदा सर्वदा हम भक्तों को अपने चरण में लगाए रखें और सर्वत्र जो है हम भक्तों का आप मंगल करें, क्योंकि आप मंगलमयी हो, सबका मंगल करने वाली हो। हे देवी, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्ते। शरण में आए हुए दीनों ये पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाले तथा सबकी पीड़ा को दूर करने वाले नारायणी, हे देवी, तुम्हें हम सब भक्तों का नमस्कार है। सर्वस्वरूपे सर्वेशी सर्वशक्ति सर्वविदे देवेश्वराहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्ति संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से आप हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। तुझे सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी और सब शक्तियों से जिस संपन्न है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस चराचर संसार में जो माँ भगवती मंगलमय शक्ति के रूप में जो वासित हो रही है, वह भगवती आदि शक्ति हम सब भक्तों का कल्याण करे, हम सब की रक्षा करें और सर्वत्र जो है हम भक्तों का मंगल मंगल करें। उस माँ भगवती के चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से बार बार नमस्कार। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार से कल्याण का मनुष्य जो है, जो अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वृद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, कार्य में सफलता चाहते हैं, उन्हें प्रचेतन पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की उपासना ये अवश्य करनी चाहिए। देवता जो है इसी माँ भगवती के शरणागत होकर के माँ भगवती की आराधना करते हैं, माँ की कृपा से इस माँ भगवती आदि शक्ति के आशीर्वाद से वह देवगण भी जो है शक्ति संपन्न होकर के अपना अपना कार्य करने समर्थ होते हैं, क्योंकि संसार में इस शक्ति बिना संसार के पत्ता भी जो है बल ढूल नहीं सकता। शक्ति विहीन व्यक्ति जो है कुछ भी नहीं कर सकता, जब शक्ति संपन्न होता है तो यह सब कार्य करने में समर्थ होता है। उन समस्त शक्तियों को देने वाले जे माँ भगवती है, जिसके दरबार में जिसके चरण बैठे हुए, जिस सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है और इसी शक्ति को उपासना कर करके भगवान शिव ने जो है इस प्रकार से माँ की कृपा प्राप्त की। भगवान शिव का आधा शरीर जो था शक्ति का हो गया, नारी का हो गया, जिससे भगवान शिव जो थे अर्ध नारीश कहलाए। इन समस्त शक्तियों को भगवान शिव ने इस प्रकार से भगवती से जो है जो भगवती की आराधना करके तब कर जो प्राप्त किया था, वह शक्ति इस प्रकार से ही अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकम्य ईश्वत्व वशित्व ये आठ प्रकार की सिद्धियां बतलाई गई हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हनुमान की सलीसे का पाठ हम करते हैं, उसे बतलाया गया है अष्ट सिद्धि और नव निधि जो बतलाई गई है। उन जो है इन सिद्धियों को नव निधियों को देने वाली जय भगवती है, क्योंकि हनुमान भी इसी के उपासक है, क्योंकि हनुमान जो है भगवान शिव के ही अवतार थे। बोलो सच्चे दरबार की जय। जिसमें हनुमान ने कहते हैं कि लंका में प्रवेश किया था, उस समय अत्यंत सूक्ष्म रोजी मच्छर का रूप धारण कर लिया था। इस प्रकार से अदृश्य हो जाना, किसी को दिखाई न देना, अत्यंत सूक्ष्म छोटा रूप धारण कर लेना,
विशाल का बहुत बड़ा रूप धारण कर लेना, दूसरे की बात को जान लेना, दूर की बात को जो है जान लेना, इस प्रकार से अदृश्य हो जाना, दिखाई न देना, तो जी सब प्रकार की सिद्धियों को जी भगवती देने वाली है। वो भक्ति पूर्वक भगवती के शरणागत होकर के माँ की आराधना माँ की उपासना करते हैं, उनकी जो भी मनोकामना होती है, जो भी उनकी मनोलक्षित कामना होती है, माँ के आशीर्वाद से माँ की कृपा से वह सब पूर्ण होती है। इसलिए जो व्यक्ति जो है इस तरह से अभिमान का त्याग कर करके, अहंकार का त्याग कर करके माँ की शरणागत होकर के माँ की उपासना करते हैं, उनके जीवन सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन जाती है, उनके जीवन को कोई कष्ट कोई दुख नहीं आते। और जो जो है शक्ति संपन्न होकर के अहंकार कर लेते हैं, हम तो शक्तिशाली हो गए, हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, देखिए कन्याकार वही कब किसके जीवन की ऐसी परिस्थिति आ जाए इसका पता ही नहीं चलता। परिवार ठीक ठाक चल रहा है, धन संपत्ति की कमी नहीं, ज्ञान की कमी नहीं, परिवार में सब कुछ है, एकदम जो है परिस्थिति ऐसी विपरीत हो जाती है पता नहीं चलता और कष्टों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसलिए कभी किसी प्रकार का अहंकार अभिमान न कर करके माँ के शरणागत होकर के माँ से प्रार्थना करें कि माँ हमारा जीवन हमारा गृह जो है ठीक प्रकार से चलता रहे, हमें आप सद्बुद्धि सद्ज्ञान दें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें किसी प्रकार अहंकार न हो, हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए आपके चरणों की भक्ति करते हुए कल्याण को प्राप्त हो सके, ऐसी हम पर कृपा कीजिए, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए, ऐसा हमें वरदान दीजिए। बोलो सच्चे दरबार जय। कहते हैं एक बार देवता और देवतों का जो है परस्पर युद्ध हुआ और जो युद्ध जो था 100 वर्षों तक चलता रहा। जो देवासुर संग्राम जो था देवता और असुरों का, जो युद्ध 100 वर्षों तक चलता रहा और माँ भगवती देवताओं के अनुकूल थी, माँ की कृपा से माँ का आशीर्वाद से उस युद्ध में जो है देवताओं की विजय हुई और देवताओं की पराजय। अब देवताओं की जब जो है विजय हुई तब जो है समस्त देवते जो थे वह स्वर्ग और मृत्यु लोक को छोड़ करके पाताल में चले गए और समस्त देवतागण जो है अपनी शक्ति उखान करते हुए और इस प्रकार विजय श्री का ढंका बजाते हुए सबको इतना अहंकार हो गया कि हमने देवताओं को मार करके भगा दिया, पाताल में चले गए और अपनी अपनी शक्ति बखान करने लगे कि मैंने इस प्रकार से युद्ध किया, दूसरा कहे मैंने ऐसे युद्ध किया, अग्निदेव कहे मैंने तो इस प्रकार से इतने योद्धा को जो है भेजो है उनको मारा है, तो इस तरह से सभी अपनी अपनी शक्ति बखान कर रहे थे और माँ ने देखा कि इन देवताओं का अहंकार हो गया है। अहंकार जो है यही विनाश का कारण होता है, विपत्तियों का कारण होता है, दुखों का कारण होता है, इसलिए अहंकार होना ठीक नहीं है। माँ ने फिर देवताओं पर कृपा की, कहते कि जहाँ पर देवगण जो है वह अपनी शक्ति बखान कर रहे थे वही सामने ही माँ भगवती एक यक्ष के रूप में वहां पर प्रकट होगी। उस यक्ष का जो है इतना तेज था जो दशों दिशाओं को प्रकाशित करने लगा, उस तेज को देख करके सभी देवगण घबराए, जी क्या हो गया, जे क्या है, सब जो है भयभीत हुए। तो तब जो है इंद्र ने जो है अग्निदेव को बुलाया और कहा कि आप अग्निदेव हैं, आप इतने शक्तिशाली हैं कि सबको पूरे विश्व को जला डालने की शक्ति रखते हैं, आप चाहे पूरे विश्व को जला सकते हैं, आप जाइए और ये यक्ष क्या है इसको जानिए, जे क्या है पता लगाइए जे कौन है। अब इंद्रदेव ने अग्निदेव की प्रशंसा की, एक तो पहले अहंकार था फिर उनके राजा इंद्र उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो ज्यादा अहंकार हुआ और अहंकार युक्त होकर के अब अग्निदेव उस यक्ष के पास पहुंचे और आकर पूछा कि कौस्तम कौन हो आप, तो यक्ष रूप में माँ भक्त ने कहा कि पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है और आपकी क्या शक्ति है। तो उन्होंने कहा मैं तो अग्निदेव हूँ, लोग मुझे अग्निदेव कहते हैं और मुझ में इतनी शक्ति है मैं पूरे विश्व को जला डालने की शक्ति रखता हूँ। अब यक्ष गृह में माँ भगवती ने एक तिनका जो था सूखा तिनका वह सामने रखा और कहा आप इतनी शक्ति है इस तिनको को जला दीजिए। कहते कि अग्निदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी परंतु उस तिनके को जला नहीं सका।
शक्तिहीन हो गया। अब वहां से वापस लौटा सारा हाल वहां का आकर के अपने राजा इंद्र को बतलाया। तब इंद्र ने जो है वायुदेव को बुलाया और उसको भी बड़ा अहंकार था, कहा कि आपके बिना ये संसार चल नहीं सकता, अब बाजू नहीं होगी, सब जीव जो है आपकी कृपा पर निर्भर है, आपकी कृपा होती है, आप वायुदेव जो है इस प्रकार सर्वत्र विद्यमान है तो ही जीव के प्राण जो सुरक्षित है, आप इतने शक्तिशाली हैं, आप जाइए और इस यक्ष का पता लगाइए ये कौन है। कहते हैं वायुदेव वहां से चला आकर यक्ष के पास कहने लगा कि आप कौन है। तब जोशी प्रकाश जब प्रश्न किया तब यक्ष के रूप में मां ने पूछा कि आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन है, आपकी क्या शक्ति है। वायुदेव ने कहा मैं तो वायुदेवता हूं और मुझ में इतनी शक्ति है मैं तो पूरे विश्व को उड़ा सकता हूं। माँ ने कहा कि जिस सामने तिड़का पड़ा हुआ है इसको उठाइए। कहते वायुदेव ने इतनी पूरी संपूर्ण शक्ति लगा दी परंतु वह तिनका हिल नहीं सका। अब वह वहां से लज्जित होकर वापस लौटा और आकर एक सारा हाल भाव का सुनाया और फिर सब देवताओं ने इंद्रदेव से कहा महाराज आप हमारे स्वामी हैं, हमारे राजा हैं, आप स्वयं वहां जाकर के जो यक्ष का पता लगाइए। तब इंद्रदेव जो स्वयं वहां पर आए उस स्थान पर जहां पर यक्ष गृह में भगवती विराजमान थी, जब वहां पर पहुंचे तो यक्ष गृह में माँ भगवती वहां से अंतर्ध्यान होगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। इंद्रदेव तो बड़े लज्जित हुए जी क्या हुआ, मेरे आने पर जो यक्ष है ये अंतर्ध्यान हो गया। कहते हैं कि इंद्र जो थे अहंकार का त्याग कर करके अब जो है उसी स्थान पर बैठ गए और बैठ करके माँ भगवती की साधना करने लगे, माया बीज का जप करने लगे और इस प्रकार वहीं बैठ करके जो है भगवती की साधना में तल्लीन हो गए। कहते बहुत समय तक इंद्र ने भगवती को प्रसन्न करने के लिए माँ को रिझाने के लिए तप किया, उस तप से जो है माँ भगवती इंद्र पर प्रसन्न हुई और माँ ने इंद्र को साक्षात दर्शन दिए। बोलो सच्चे दरबार। भगवान इंद्र को जब साक्षात दर्शन हुए बड़े प्रसन्न हुए, माँ की स्तुति की, माँ के चरण पर नाम किया। तब माँ ने कहा कि क्या चाहते हो। इंद्र ने कहा कि माँ कुछ समय पहले यहां पर एक यक्ष प्रकट हुआ था, उसका इतना तेज था जो दशों दिशा को प्रकाशित कर रहा था, मैं ये जानना चाहता हूं वह यक्ष कौन था। तब माँ ने कहा कि इंद्र वह यक्ष के रूप में मैं ही थी, मैं ही शक्ति संपन्न होकर के आपने देत और विजय प्राप्त की थी और आपको अहंकार हो गया, अहंकार जो यही विनाश का कारण होता है और आप मुझ माया रूपी भगवती को आप भूल गए, आप मुझे भूल गए क्योंकि देवता पर जो है देत पर आपने विजय प्राप्त कर ली, आपका संकट जो है अब मिट गया, आप जो सुख संपत्ति की प्राप्ति हो गई और आप मुझे भूल गए, इसलिए जो है मैं यक्ष के रूप में जहां पर प्रकट हुई थी वह मेरा ही स्वरूप था और आपको यह ज्ञान देने के लिए मैं जहां पर जो है यक्ष के रूप में प्रकट हुई थी। इसलिए देवताओं यदि अपने जीवन में आप जो है सदा सर्वदा जो है अपना कल्याण चाहते हैं, आपका जीवन ठीक प्रकार चलता रहे, कोई विघ्न बाधा ना आए, तो मुझ शक्ति को मत भूलना, मुझे मत भूलना, इस प्रकार से आपके जीवन का कष्ट कोई विपत्ति नहीं आएगी। और मृत्यु लोग जो भी भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से मेरे इन स्तोत्रों द्वारा मेरा स्तवन करेंगे, मेरी स्तुति करेंगे, मेरा स्मरण करेंगे, मुझे प्रणाम करेंगे, उनके सभी कष्ट सभी दुख जो है वह सब मेरी कृपा से मेरे आशीर्वाद से दूर होंगे। इस प्रकार से उस समय समस्त देवताओं के द्वारा माँ भगवती पूजित होकर के देवताओं का वरदान देकर उन्हें आशीर्वाद देकर के बांध से अंतर ध्यान होगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए भगवती आदि शक्ति जो है यही सर्वशक्तिमान है, यही सर्व पूज्य है, सर्व मान्य है, जिसकी देवता ही पूजा करते हैं, देवता आराधना करते हैं। और वह भगवती आदि शक्ति जो है इस गुहा के अंदर तीन दिव्य पिंडी को विराजमान है, माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, जिनके दर्शनों के लिए
जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपसे माँ के दरबार में आकर के इस गुहा के अंदर इस पिंडी को माँ के दर्शन करते हैं, माँ के चरण नतमस्त होते हैं और उन तीनों माताओं का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दुर्गा सप्तशती में भी इन्हीं तीनों शक्ति का वर्णन है। तीन चरित्र जो बतलाए गए हैं उन तीनों चरित्रों में तीनों शक्ति का वर्णन है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। और तीनों शक्ति जिसके जीवन में इन तीनों शक्ति की जिन पर कृपा हो जाती है उसके जीवन कभी किसी प्रकार की कोई कमी रहती नहीं, बस सर्वत्र कल्याण को प्राप्त होते हैं। एक तो निरोगी जीवन, जो निरोगी काय जो है महाकाली की कृपा से प्राप्त होती है, धन शक्ति जो है माँ लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त होती है, ज्ञान शक्ति माँ सरस्वती की कृपा से प्राप्त होती है। ये एक ऐसा स्थान है जहां पर जो तीनों शक्तियां एक साथ विराजमान है और एक साथ जो है जहां आकर के इन तीनों शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिस आशीर्वाद से वह भक्त जन जो है सब ओर से कल्याण को प्राप्त होते हैं, इसलिए स्थान का विशेष महत्व है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आप सभी माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। इस मंत्र द्वारा जो भक्त जन माँ की साधना करते हैं, जो माँ भगवती के जो महामंत्र बीज मंत्र है, और इस मंत्र के द्वारा जो भक्ति माँ की साधना करते हैं, माँ के दरबार में आकर इस पिंडिक रूप माँ के दर्शन करते हैं, उन पर तीनों देवियों की सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 सच्चे द्रव की जय। तभी भजन की वेला निवेदन कर श्री मनिंद्र से माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन सहयोग देना समल प्रभुला ताली बजाते हुए श्री मनिंद्र जी। जय करा शिरोमणि जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। मैया के दर पे तू आजा, मैया के दर पे तू आ जा, नादान मुसाफिर। मैया के दर पे तू आ जा, नादान मुसाफिर। मैया के दर पे तू आ जा, नादान मुसाफिर। मैया के दर पे तू आ जा, नादान मुसाफिर। माँ के चरणों से प्रीत लगा, नादान मुसाफिर। माँ के चरणों के चरणों से प्रीत लगा, नादान मुसाफिर। माँ के चरणों से प्रीत लगा, नादान मुसाफिर। हाँ मैया के दर पे तू आ जा, नादान मुसाफिर। मैया के दर पे तू आ जा, नादान मुसाफिर। ताली सभी हाथ खोल कर के ढीली ताली नहीं, ताली की आवाज माँ के दरबार तक पहुँचे। एक बार सही भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिरी दीजिए। हाथ सभी ऊपर, माँ भगवती आप भक्तों के हाजिरी स्वीकार करें, आपकी झोलियाँ भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशी से भर देता है। प्रीत नहीं तोड़ देना, आस नहीं छोड़ देना। प्रीत नहीं तोड़ देना, आस नहीं छोड़ देना। डूबेगी नौका फिर मझदार, नादान मुसाफिर। डूबेगी नौका मझदार, नादान मुसाफिर। डूबेगी नौका फिर मझदार, नादान मुसाफिर। डूबेगी नौका फिर मझदार, नादान मुसाफिर। हाँ मैया के दर पे तू आ जा, नादान मुसाफिर। मैया के दर पे तू आ जा, नादान मुसाफिर। माँ के चरणों से प्रीत लगा, नादान।
दान मुसाफिर माँ के चरणों से प्रीत लगा हो नादान मुसाफिर मैया का नाम सहाय इसको ना भूलो भाई 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 मैया का नाम है आधार नादान मुसाफिर 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 मैया के दर पे तू आ जा नादान मुसाफिर मैया के दर पे तू आ जा नादान मुसाफिर माँ के चरणों से प्रीत लगा नादान मुसाफिर माँ के चरणों से प्रीत लगा नादान मुसाफिर जब तक है जोश जवानी बिगड़ी हर बात बनानी जब तक है जोश जवानी बिगड़ी हर बात बनानी जब तक है जोश जवानी बिगड़ी हर बात बनानी जब तक है जोश जवानी बिगड़ी हर बात बनानी जीवन ना मिलता बारंबार नादान मुसाफिर जीवन ना मिलता बारंबार नादान मुसाफिर जीवन ना मिलता बारंबार नादान मुसाफिर जीवन ना मिलता बारंबार मैया के दर पे तू आ जा हो नादान मुसाफिर माँ के चरणों से प्रीत लगा नादान मुसाफिर माँ के चरणों से प्रीत लगा हो नादान मुसाफिर विषयों से बचते जाना जग में शुभ कर्म कमाना विषयों से बचते जाना जग में शुभ कर्म कमाना विषयों से बचते जाना जग में शुभ कर्म कमाना विषयों से बचते जाना जग में शुभ कर्म कमाना जीवन तो पाया है दिन चार नादान मुसाफिर जीवन तो पाया है दिन चार नादान मुसाफिर हाँ जीवन तो पाया है दिन चार नादान मुसाफिर जीवन तो पाया है दिन चार नादान मुसाफिर हाँ मैया के दर पे तू आ जा नादान मुसाफिर मैया के दर पे तू आ जा नादान मुसाफिर माँ के चरणों से प्रीत लगा नादान मुसाफिर माँ के चरणों से प्रीत लगा नादान मुसाफिर हीरा सा जीवन पाया माटी के मोल गवाया 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 माँ से तू माँ से तू माँ से तू कर ले थोड़ा प्यार नादान मुसाफिर माँ से तू कर ले थोड़ा प्यार नादान मुसाफिर माँ से तू कर ले थोड़ा प्यार नादान मुसाफिर माँ से तू कर ले थोड़ा प्यार नादान मुसाफिर मैया के दर पे तू आ जा नादान मुसाफिर मैया के दर पे तू आ जा नादान मुसाफिर माँ के चरणों से प्रीत लगा नादान मुसाफिर माँ के चरणों से प्रीत लगा नादान मुसाफिर मैया के दर पे तू आ जा नादान मुसाफिर मैया के दर पे तू आ जा नादान मुसाफिर माँ के चरणों से प्रीत लगा 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 नादान मुसाफिर मैया के दर पे तू आ जा नादान मुसाफिर माँ के चरणों से प्रीत लगा नादान मुसाफिर
माँ के चरणों से प्रीत लगा नादान मुसाफिर, माँ के चरणों से प्रीत लगा नादान मुसाफिर। जयकारा शेरोवाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। तभी भजन प्रस्तुत करेंगे श्री जयपाल जी। जयकारा शेरोवाली जय बोल सच्चे दरबार की जय। तेरी जोत जगदी तेरा भोग लगदा तेरी हो रही। जय जयकार माता दर्शन दे एक बार। तेरी जोत जगदी तेरा भोग लगदा तेरी हो रही। जय जयकार माता दर्शन दे एक बार। तेरी जोत जगदी तेरा भोग लगदा तेरी हो रही। जय जयकार दर्शन देखवा। तेरी जोत जगदी तेरा भोग लगदा तेरी हो रही। जय जयकार माता दर्शन देखवा। केसर दिल लगाया तेरी जोत जगदी तेरा भोग लगदा तेरी हो रही। जय जयकार माता दर्शन दे एक बार। तेरी जोत जगदी तेरा भोग लगदा तेरी हो रही। जय जयकार माता दर्शन देखवा। किन किन मैया भवन बनाया किन किन चवर झुलाया। किन किन मैया तेरा भवन बनाया किन किन चवर झुलाया। किन किन मैया चवर झुलाया हो माता किन किन चवर झुलाया। तेरी जोत जगदी तेरा भोग लगदा तेरी हो रही। जय जयकार माता दर्शन देखवा। तेरी जोत जगदी तेरा भोग लगदा तेरी हो रही। जय जयकार माता दर्शन देखवा। पंजा पंजा पांडवन भवन बनाया अर्जुन चवर झुलाया। पंजा पंजा पांडवन भवन बनाया अर्जुन चवर झुलाया। पंजा पांडव ने भवन बनाया अर्जुन चवर झुलाया हो माता अर्जुन चवर झुलाया। तेरी जोत जगदी तेरा भोग लगदा तेरी हो रही। जय जयकार माता दर्शन देखवा। तेरी जोत जगदी तेरा भोग लगदा तेरी हो रही। जय जयकार माता दर्शन देखवा। नंगे नंगे पैरे मैया अकबरिया सोने द
छत्र चढ़ाया तेरी जोत जगदी तेरा भोग लगता तेरी हो रही जय जयकार माता दर्शन एक बार जोत जगदी तेरा भोग लगता तेरी हो रही जय जयकार माता दर्शन दे लगदा तेरी हो रही जय जयकार माता दर्शन दे एक बार तेरी जोत जगदी तेरा भोग लगदा तेरी हो रही जय जयकार माता दर्शन दे एक बार जयकार श्रवली देव बोल सच्चे दरबार की जय जयकार मेरी शेरवाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय मेरी मैया शेरवाली अपना हमें बना ले मेरी मैया शेरों वाले अपना हमें बना इतनी विनय हमारी धोती में हमें बिठा ले इतनी कहते हैं
से दिल हटा कर मैया से दिल लगा ले। मेरी मैया शेरों वाली अपना हमें बना ले। मेरी मैया शेरों वाली अपना हमें बना ले। मुझे इसका गम नहीं है अपनी बने या बिगड़े। मुझे इसका गम नहीं है अपनी बने या बिगड़े। नाचेंगे हम तो मैया जैसा हमें बचा ले। नाचेंगे हम तो मैया जैसा हमें। मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। आरोड़ सुधन से भ्रमित गगने दक्षिणे चक्षुत्र वामे हस्त दिभ्यां कणकमयं पुस्तकं जनगम्य साधनाभ्यादयन्ते स्वकर्कृजपे शास्त्रविज्ञान शब्दे क्रीडन्त दिभिरूपाकरकमलधरा भारते सुप्रसन्ना सच्या ज्योतिर्भवानी माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य सुसंवत 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल बसंत ऋतु फाल्गुन मास की आज 12 प्रविष्टि ही कृष्ण पक्ष आज षष्ठी तिथि ही रविवार तदनुसार 24 फरवरी सन 2019 के दिन प्रातःकाल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरण बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों कृपा बढ़ी रहे और माँ के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भाने भव श्रीमान जसस्वी भव प्रज्ञा भाने भव भूरिभूत करणे धाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्य दर्प दलने व्यापार दक्ष भव श्री शंभर पाद पुण्यतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम देश शरीर वर्चस आयुष्यम आरोग्यम अविदात शुभमानम हीयते धनम धान्यम पशुं बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः।
माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक कर। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, समझकर हम ताली बजाते हुए ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल गौरी मैया जय आनंद गौरी तुम तो निषदन गावत मैया जी को निषदन गावत हरि ब्रह्मा भैया वर मुद्रा धारी सुन
करने वाली माता तेरी सदा ही जय को सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय धरहार की जय बोलिए ओम या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः भद्रकाली माता की जय कृष्ण माता की जय लक्ष्मी माता की जय सरस्वती माता की जय सच्चे दरबार की जय। तब परम पूज्य पुजारी जी माँ विभूति की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन हो गया। उसके उपरांत माँ विभूति की आरती उतारिएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी 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 जय जगदम्बे 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 जय जगदम्ब
कट मास से प्रार्थना करेंगे सब मिलकर के बोलना ओ देहि सौभाग्य आरोग्य देहि सौभाग्य आरोग्य देहि मे परमं सुख देहि मे परमं सुख रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो जहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शान्तिः शान्तिः क्रम देखे सुने और मानी मन महाभक्ति के नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। गुरु जी को वंदना द्वितीय आद गे तृतीय शिवराय शारदा मेरे कार्य करो हमेश आनंदे आनंद करो कल्याणी कल्याण गे जो ध्यान जय
सच्चे दरबार की जय। सारे भक्तों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, साथी मनोकामना पूर्ण हो। वो सच्चे दरबार की जय। वो सच्चे दरबार की जय। वो सच्चे दरबार की जय। देव जी आपको प्रणाम करते हैं। नमः पाभ्यो पाभ्यम हस्तो अर्घ्यम मुहजो आजिनम सर्वंगे स्नानम वर्पयामि नमः। ओम गंधद्वारम दुरादृशम नित्यपुरुषम राजेश्वरी
ओम प्रसंचार पुत्री दूसरी ब्रह्मचारिणी जगदी कुश्वरी चतुर्भ्रम पंचमी चतम काव्यायी चौमी दीदी राधी नव दुर्गा प्रतीका दुर्गा दिव्य नम सर्वमंगल मंगल ने श्री दरबार साधि शरण्य श्रीपति गौरी नारायणी ಸರ್ವಾಧಿ ಸ್ವಯಾಕಾವ್ಯಮಿ ಜೋರ್ ಸೆ ಮಜಾ ಆಗ ಜೋರ್ ಸೆ ಶಕ್ತಿ ರೂಪೇಣ ಸರ್ಜಿತಾ ನಮಸ್ತೇ 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 ಮಜಾ ಆಗ ಜೋರ್ ಸೆ ಮಜಾ ಆಗ